हे दोस्तों, व्हाट्स अप। सो क्या हो गया कि मैं अभी यहाँ सोशल मीडिया पे देख रहा था यार, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ऑनलाइन में ना पैसा कमाना सिखाने लगे हैं। राइट, कि ऑनलाइन में कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे आप लाख रुपए पर मंथ कमा लेते हो। बट बोलना नहीं चाहिए, बट रियलिटी ये है कि ये वो लोग हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन, और ऐसे कई सारी कंपनीज लॉन्च हो चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं, जो जस्ट मनी ओरिएंटेड, राइट, मतलब पैसा बनाने वाली कंपनीज हैं। और ये कंपनीज कर क्या रही हैं, इनके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको सिखा रही हैं कि भाई कैसे आप मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करो और मेरे प्रोडक्ट को सेल करो और हम आपको कुछ कमीशन देंगे। राइट, दे आर ट्राइंग टू यूज एफिलेट मार्केटिंग मेथड। ओके, डोंट वरी, अगर आप एफिलेट मार्केटिंग नहीं जानते, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं जाओ मार्केट में और अपने आप को एक्सपर्ट शो करो और बोलो कि हम तुम्हें पैसा कमाना सिखा सकते हैं। और सिखाते कुछ नहीं है, ये बताते हैं कि किसी एक, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के प्रोडक्ट उठाओ और अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओ सोशल मीडिया पे और दूसरों को चिपकाओ। ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे लोग ऑनलाइन को स्कैम समझते हैं और सोचते हैं कि ऑनलाइन में करियर नहीं बनाया जा सकता। बट ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, लाइक मी। लाइक कर दो प्लीज, प्लीज लाइक कर दो। लाइक इज सो चीप, राइट, सस्ता है, तो कर दो यार। और नए मेहमानों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको अच्छी और रियल वीडियोस मिले। राइट, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है पैसे अर्न करने का। पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनको समझाना जरूरी है कि बेटा ऑनलाइन वैसे नहीं कमाते हैं जैसे तुम कर रहे हो। तुम जस्ट एक कंपनी पा गए हो, लोगों को चिपका रहे हो, कंपनी कब भाग जाएगी पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? ना भैया, ऐसे नहीं होता। आज हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में कि ऑनलाइन से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन का बेस्ट बिजनेस कौन सा है, उसका मॉडल कैसे काम करता है, कैसे आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हो, क्या इसका कोई स्कोप है, लाइफ टाइम इसको खींच सकते हो, या बस ये आए आज कुछ किए और फिर कल भिखारी बन गए। पूरी चीज़ें गाइज, डिटेल्ड वीडियो है ये, और कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, बट मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। और प्लीज मैं आप सभी से जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, सबसे चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल सके कि रियलिटी क्या है ऑनलाइन की, क्या ऑनलाइन में करियर बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म करियर बनाया जा सकता है, ऑनलाइन में जेन्युइन पैसा कमाया भी जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। सो प्लीज गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि ये काम जरूर कर लेना, ठीक है, शेयर जरूर करना। तो अब सीधा मेरे डैशबोर्ड में, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन में पूरा ये काम कैसे कर सकते हो और रियलिटी क्या है और आप पैसे बना भी सकते हो या नहीं बना सकते हो। ओके, सो लेट्स गो हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू से, एक एक चीजें शुरू से देखेंगे कि क्या रियलिटी है। और रियली इट इज ईजी, या रियली इट इज ईजी कि ऑनलाइन में बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा ईजी है। जो मैं आज आपको बता दूंगा ना, 101% यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, राइट। और बेस्ट बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा ऑनलाइन का, और कौन सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ कि आप ये हो। ओके, सो एक इसको क्या बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, ठीक है। मैं एक अवतार क्रिएट कर देता हूँ कि ये आप हो भैया। तो अब थोड़ा सा हंस लेना इस पे, ठीक है, और हंस लिए हो तो लाइक भी कर देना। ये आपका अवतार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपका अवतार। ओके, सो नाउ अब देखो, ये हो आप बहुत ही खुश मिजाज इंसान, एंड यहाँ आप आए हो भैया कि हमें भैया ऑनलाइन से पैसा कमाना है। बट आपको मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो धूल काटने में लोगों को लगे हैं। ओके, सो बेवकूफ़ नहीं बनाना है लोगों को, ये आप समझ जाओ। और अच्छा काम करना है तो आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, प्लस सही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, राइट। मैं ये किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस
एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहा हूँ कि इस विजन से आपको लॉन्ग टर्म अगर जाना है इस ऑनलाइन करियर के साथ, तो आपको जेन्युइन और रियल चीजों के साथ चलना पड़ेगा। ओके, सो मान लो ये आप हो और ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हो, एंड एक दिन आपने सर्च किया, इसका नाम हम रोहन ले लेते हैं, ठीक है, राहुल बहुत कॉमन हो गया, अब रोहन लेते हैं, ठीक है। तो रोहन ने एक दिन ऑनलाइन से सर्च किया, ऑनलाइन में मतलब कि लैपटॉप इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे भैया सर्च किए हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं भैया। तो भैया को पता चला कि सबसे पहले तो ब्लॉग बनाओ और ब्लॉग पे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, फर्स्ट वे। तो भैया ने क्या किया, एक दिन ब्लॉग ट्राई किया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फेमस है ऑनलाइन, पहले बहुत ज्यादा फेमस था, आज के दौर में पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय बहुत ज्यादा फेमस था। तो भैया ने देखा ब्लॉग व्लॉग का कैसा है, तो भैया को पता चला बहुत ज्यादा तामझाम है। फिर भैया ने क्या किया, एक बार देखा कि चलो फेसबुक या हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। तो भैया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखा, तो वहां देखा यार लड़के कल के लौंडे 15-15 साल के 16-16 साल के लाख लाख रुपए बना रहे, ठीक है। और भैया का यही दिमाग घूम गया और भैया ने तुरंत पूछा कि ये रोहन भैया ने तुरंत पूछा कि मुझे भी बताओ कि ऑनलाइन से तुम पैसा कैसे कमा लेते हो। तो जो सामने वाला लड़का था, जो जिसको इन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसने बोला कि बस आप मेरे साथ कनेक्ट करो, मैं आपको एक कंपनी बताऊंगा एंड यू कैन मेक मनी देयर, लाइक 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। आपने कितना कमाया? मैंने नहीं, लेकिन मेरे सीनियर ने जरूर कमाया। सो गाइज प्लीज डोंट बी एक्सपर्ट, राइट? अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो सो प्लीज डोंट बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, बी जेन्युइन, राइट? अब आप तो कुछ कमा नहीं पा रहे हो, आपने इसको भी फंसा दिया, सो प्लीज डोंट डू दैट, राइट? फर्स्ट अर्न सम मनी यार, एटलीस्ट 10,000 ही 20,000 ही अर्न करो, लेकिन कुछ तो अर्न करो। ओके, तो ये जो मॉडल है ना गाइज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन से, राइट? अब रोहन ने सर्च किया ऑनलाइन में, कम लैपटॉप पे बैठ कर या आपके पास जो भी है मोबाइल पे सर्च किया, राइट? इसने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, राइट? बिल्कुल देखो, ये ना, ये जो वीडियो है ये जीरो टू हीरो तक जाएगी, मतलब कि एकदम इनिशियल लेवल से एकदम नेक्स्ट लेवल तक। तो जो लोगों को ये पता है उनके लिए ओके, लाइक करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियो को पूरा देखो अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो। और जो लोग एकदम बिगनर है वो तो एकदम ध्यान से देखो, नोट्स बना लेना भाई, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे आप ऑनलाइन में सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी। सबसे पहला जो मैंने कहा कि ब्लॉगिंग, ठीक है, आज के दौर में ब्लॉगिंग में बहुत 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 ज्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ब्लॉगिंग बोल रहा हूं, नॉट ब्लॉगिंग, राइट? नॉट वी, इट्स बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, राइट? तो ब्लॉगिंग बोल रहा हूं, नॉट व्लॉगिंग, वी वाला, राइट? ये बी वाला है, बॉल वाला। तो ब्लॉगिंग सबसे पहला है आपका तरीका, ठीक है। अब ब्लॉगिंग क्या होती है, एक साइट रहती है, आप उस साइट पे जाके अपना पूरा लिखते हो, लाइक आप लिखते हो कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, राइट? कुछ लोग ये भी लिखते हैं जिसको डायरी ब्लॉग्स बोलते हैं। आप एक्सपर्ट हो भाई मोबाइल में, राइट? तो आप मोबाइल के बारे में लिखते हो, आप एप्पल के फोन के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, एप्पल 13 अभी लॉन्च हुआ है तो आप लिखोगे कि एप्पल 13 कैसे लॉन्च हुआ, क्या हुआ इवेंट में, क्या हुआ और इसके फायदे क्या हैं एप्पल के, एप्पल की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, माउथ मार्केटिंग इसका कितना अच्छा है, ये कितना महंगा है, ऑल द थिंग्स ये आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया और ये आप पूरा अपने एक ब्लॉग में लिख रहे हो, राइट? जहां पर लिख रहे हो ना उसको ब्लॉग कहते हैं। अब आप ऐसे ही करके और भी अलग अलग ब्लॉग्स लिखोगे, ठीक है, अलग अलग जगह, लाइक कभी आप इसका लिखोगे, कभी आप इसके इसका लिखोगे ईयरपॉड्स का, एंड इसके बाद आप बहुत अलग अलग चीजें एप्पल के बारे में एप्पल के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये जो एप्पल आपने सेलेक्ट किया है ना, ये आपका नीश हो गया। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, आप हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ते हो तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये क्या है, आपके नीश है। वैसे ब्लॉगिंग में अगर आप इसके बारे में लिखते हो एप्पल के बारे में तो ये आपका
नीश हो गया। अगर आप डेली व्लॉग डेली ब्लॉगिंग करते हो, मतलब कि अपने रूटीन के बारे में लिखते हो, तो वो आपके डेली ब्लॉग्स हो गए। अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक मेकिंग फूड्स, तो आपका जो फूड है वो फूड ब्लॉग हो गया। ऐसी करके समझ गए ना, जो आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप एक पेज पे लिखते हो, जिसको ब्लॉग कहते हैं, और इसी पूरे सिस्टम को ब्लॉगिंग कहते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप blogger.com पे जा सकते हो। कहाँ पर जा सकते हो? blogger.com पे। यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ, blogger.com, ठीक है। तो blogger.com पे जाओ भैया, अपना ब्लॉग क्रिएट करो, सीधा जाके ब्लॉग क्रिएट करो और लिखना स्टार्ट कर दो, अगर ब्लॉगिंग में आपको इंटरेस्ट लगा तो, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो blogger.com पे आप जाओगे एंड पूरा यहाँ पर देखो, सीधा क्रिएट करना है, क्रिएट योर ब्लॉग जस्ट, और जैसे आपके पास जीमेल होगा, जस्ट आपका जीमेल है मतलब आपका ब्लॉगर बन गया, क्योंकि ये पावर्ड बाय गूगल है, ठीक है। गूगल ने इस चीज़ को बनाया है, इस प्लेटफॉर्म को। जस्ट क्रिएट योर ब्लॉग करो एंड अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे सस्ता और फ्री तरीका है ये ब्लॉग स्टार्ट करने का, राइट। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी है, अर्न मनी, गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, गूगल एडशन कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रिलेवेंट टारगेट एड्स ऑन योर ब्लॉग सो डेट यू कैन अर्न इनकम बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन, ठीक है। मैंने ये चीज बोला कि जो आपका पैशन है उसको लिखना स्टार्ट करो, और जहां लिखोगे उसको कहते हैं ब्लॉग, और जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ब्लॉगिंग। बट यहां पर एक चीज है जो टर्म आ रहा है आपके सामने, अर्न मनी। तो अर्न मनी भाई कैसे पैसा अर्न करते हैं? देखो, ब्लॉग से पैसा अर्न करने का सबसे पहला तरीका, जैसे कि यहां पर लिखा था एडसन, ठीक है। तो आप पहले तो एडसन से मनी अर्न कर सकते हो, एडसन से, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है ना एडसन, ये देखो ये एडसन लिखा है। तो सबसे पहले तो आप एडसन से पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका हो गया। एडसन क्या होता है? ये एड प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसके थ्रू गूगल आपकी वेबसाइट में एड्स दिखाता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ कोई वेबसाइट खोलता हूँ, लाइक टाइम्स खोलते हैं, ठीक है, या NDTV की वेबसाइट खोल लो, ठीक है। यहाँ टाइम्स न्यूज़ खोल ले रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए जस्ट, ओके। तो हम लोग टाइम्स न्यूज़ खोलते हैं, तो ये देखो टाइम्स न्यूज़ जैसे आप खोलोगे, व्हाट इज दिस, तो ये सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, अपन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेट्स जस्ट गिव मी वन मिनट, ओके। सो नाउ दिस इज ओके। सो देखो जैसे हमने ये वेबसाइट खोली है, इनके भी ब्लॉग्स हैं ये सब, राइट। ये सारे ब्लॉग्स हैं, यहाँ ऊपर देख रहे हो आप, ये सारी जो चीज़ें देख रहे हो, ये सारे किस में आते हैं? ब्लॉग्स में। और इन्होंने एक ब्लॉग का अलग सेक्शन भी बना के रखा है, ताकि आप जाके अच्छे से डिटेल में इनके ब्लॉग्स को पढ़ो, ओके। तो यहाँ पर देखो नीचे में, जैसे आप और थोड़ा नीचे आओगे स्क्रॉल करके, आई डोंट नो व्हाई सो स्लो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी माई बडीज। गाइज लाइक कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो, वाला मीम देखा है आपने, ठोक दो बटन को, ठोक दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, लाइक करो लाइक, तो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, ओके। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, पूरी वीडियो जरूर देखना, हो सकता है लॉन्ग है, बट इतना नॉलेज मैं आपको देके जाऊंगा आज, यू विल बी हैप्पी, ओके। सो देखो जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, यहाँ पर देखो ये लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, एड है, किसके द्वारा? एडसन के द्वारा। ये जो अमेजन घूम रहा है, चाहो तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ ना, ये लो कट कर दिया, ये क्या था? एड था। ये जो क्या दिख रहा है, ये जो एप्पल 13 प्रो मैक्स 12 प्रो मैक्स, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे एड्स हैं जो किसके द्वारा शो किए जा रहे हैं? यही गूगल बाबा के द्वारा, जिसको आप मैनेज कर सकते हो गूगल एडसन से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एडसन, तो गूगल एडसन एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग पे एड्स चला सकते हो एंड उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ओके। तो पहला तरीका ये हो गया भाई। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जो काफी ज्यादा मजेदार है और आपको काफी अच्छा भी लगेगा जान के, ओके। सो हम दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरा तरीका होता है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। स्पॉन्सरशिप का मतलब आप समझ ही गए होंगे, आजकल हर टिकटॉकर्स और हर रीलर्स को मिलता है। कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी जब आपके ब्लॉग को बहुत सारे लोग पढ़ने लगेंगे, तो कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी और बोलेंगी कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप लिखो अपने ब्लॉग पे, क्योंकि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आप स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमाओगे। दो तरीके हैं। तीसरा तरीका इसमें आता है जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसकी वजह से आजकल ब्लॉगर, जो पुराने ब्लॉगर हैं, वो पल रहे हैं, मतलब कि अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और पैसे कमा पा रहे हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AFM
एम, जिसे का शॉर्टकट मैंने बनाया है AFM, एफिलिएट मार्केटिंग। तो पहला तरीका हो गया एडसन, जो गूगल के द्वारा, गूगल एडसन के द्वारा एड जो लगेगा उससे आप ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका हो गया आपका स्पॉन्सरशिप, एंड तीसरा तरीका हो गया आपका एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग ये वो चीज है जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिससे ब्लॉगर मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं ब्लॉग से कमाने के, सुपर डुपर तरीके, राइट। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, राइट। वो तरीका ये होता है कि कुछ लिंक शॉर्टनर्स आते हैं, आपको पता है लिंक शॉर्टनर्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स पे आप जाओगे ना, उन ब्लॉग्स में जो भी लिंक होती है उसको लिंक शॉर्टनर से यूज किया जाता है। तो लिंक शॉर्टनर से क्यों यूज करते हैं वो लोग, जब आप लिंक शॉर्टनर के किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक ऐड पे ले जाता है, और वो ऐड 10 से 15 20 सेकंड चलती है, जिससे क्या होता है, फायदा होता है ब्लॉगर को, जो ब्लॉग लिखता है उसको बोलते हैं ब्लॉगर। तो ब्लॉगर को फायदा होता है क्या, पैसे का, उससे वो पैसा कमाता है। तो ये चार तरीके हैं जो सुपर डुपर हिट हैं टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग, राइट। ये चौथा तरीका बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं, ओके। बट ये तीन तरीके सुपर डुपर हिट हैं मार्केट में, और ये टोटल चार तरीके हैं मेरी नज़रों में जहां से आप ब्लॉग से पैसे अर्न कर सकते हो, और जो वायरल है, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका है ऑनलाइन से अर्न करने का भैया, वो है, जब इन्होंने सर्च किया हमारे रोहन भाई ने, तो वो है भैया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भैया सुपर डुपर गेम, जिसको हम बोलते हैं AFM, ठीक है। और आई लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। आज के समय में जिससे मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी जीवन चला पा रहा हूँ, जिसका मैं करियर बना रहा हूँ, और जिससे मैंने अपना करियर बनाया है, और जिससे मैं मोटा पैसा कमाता हूँ, और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूँ, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आई लव एफिलिएट मार्केटिंग। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है या नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं और देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत सारी वीडियोज आती हैं, ऑनलाइन अर्निंग की बहुत सारी वीडियोज आती हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मालूम है, और क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। इससे होगा ये कि हमारी एक कम्युनिटी बनेगी, और हमारा एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो भी काफी अच्छा गेन होगा। तो मेक श्योर गाइज ये काम आप कर दो, नीचे जाके जस्ट लिख दो और लाइक कर दो, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी वीडियोज मिलती है। आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक, नीचे समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में होता ही है कि आप एक कंपनी के पास जाते हो, लाइक मान लेते हैं अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन के पास गया आप, और ये रोहन ही है, ठीक है, ये रोहन को यहाँ से ला लेते हैं। रोहन गया अमेजॉन के पास, ओके, और अमेजॉन से कहा कि भैया आपके प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ मार्केट में ले जाके। रोहन ने उठाया प्रोडक्ट और मार्केट में ले गया, ठीक है। मार्केट इट्स मीन इंटरनेट पे जो एड्स प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक, गूगल, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आपका हो गया सबसे पहला जो हो गया आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, ब्लॉग्स, एंड जैसा अभी हम लोग ब्लॉग की बात की, राइट, ब्लॉग्स एंड बहुत सारे ऐसे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एट ऑल, राइट। तो ये मार्केट में ले गया, और वहाँ पर जाके भाई इनके प्रोडक्ट की, अमेजॉन के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगा। अब ये प्रोडक्ट हो गया सेल, ठीक है। तो मान लो ये जो प्रोडक्ट था वो था 100 रुपये का, ठीक है, और अमेजॉन ने कहा था रोहन को कि भाई अगर तुम इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो मैं तुम्हें 10% दूंगा एक सेल पे, ठीक है। तो अब रोहन के बने 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये नहीं बनते भैया यहाँ, हजारों लाखों रुपये बनते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 10 रुपये बने, तो रोहन की कमाई कितनी हुई, 10 रुपये एक प्रोडक्ट को सेल करके। अब चाहो तो रोहन लाखों प्रोडक्ट सेल कर सकता है, हजारों प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग, इजी। तो इससे भी लोग काफी पैसा कमाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी पैसा कमाते हैं इससे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट भाई, है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है ई कॉमर्स, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में करते ये है कि किसी वेंडर से, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड, अली एक्सप्रेस नाम की एक साइट है, किस नाम की, अली एक्सप्रेस, ठीक है, यहां आप सर्च कर लो अली एक्सप्रेस,
सो अली एक्सप्रेस में होता क्या है, ये चाइना की साइट है और यहां पर ना कम कम पैसों में, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपको अमेजोन में $10 का मिल रहा है यहाँ पर $2 का मिलता है। शॉक हो गए होगा आप सुन के अगर आपको इस बारे में नहीं पता होगा, बट ये रियलिटी है, आप खुद सर्च करके देख लेना। मैं अभी यहाँ सर्च करके नहीं दिखाने वाला, बट आप खुद जाके सर्च करके देख लेना, alibaba.com नाम है इसका, ठीक है। तो अलीबाबा की 40 स्टोरी सुना है, वैसी ये खुल गया सिमसिम वाली साइड है, तो ये सिमसिम वाली साइड खुल गई है। अब मान लो यही सामने में एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जिससे आप अपना कोविड में टेम्परेचर चेक करते थे, $4.9 का है, ठीक है। अगर आप यही जाके अमेजोन पे सर्च करोगे ना तो ये आपको $10, $20, $30 तक का मिलेगा, ठीक है। तो अब भाई जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो करते ये हैं, ड्रॉप शिपर्स जिनको कहा जाता है, ड्रॉप शिपर्स, ठीक, ड्रॉप एस, ठीक है, बाकी समझ जाओ, ड्रॉप शिपर्स। तो ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, ड्रॉप शिपर्स जाते हैं अली एक्सप्रेस पे, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट इन्होंने उठाया, मान लो वही टेम्परेचर चेक करने वाला प्रोडक्ट $4.9 का उठा लिया इसने, ठीक है। अब ये यहाँ पर आके इसकी एड चलाएगा, ठीक है, फेसबुक पर या गूगल पे, ठीक है, दोनों को लिख लेता हूँ मैं, फेसबुक एंड गूगल, मतलब मार्केट करेगा, ओके, एड चलाएगा और अपनी भी एक वेबसाइट बनाते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि ये जो वेबसाइट है मैं आपको दिखाया, ये जो क्या है वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, alibaba.com, Amazon जैसी वेबसाइट है, तो ये लोग भी अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं छोटी सी एंड उसका यहाँ पर एड चलाते हैं फेसबुक एंड गूगल में, ओके। देन गाइज मैजिक यहीं पर होता है इनकी वेबसाइट में, जो इनकी वेबसाइट होती है ना, मैजिक यहीं होता है कि ये जो है $4.9 का ये सेल करेंगे $10 में, ठीक है, $10 में मार्केट किए, किसी ने खरीदा, सोल्ड और इनको मार्जिन कितना हुआ, $6 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट $6 का या 5.1 ही मान लो, ठीक है, $5.1 की इनकी इनकम हुई। तो ये जो पूरा तरीका है ये ड्रॉप शिपिंग कहलाता है एंड alibaba.com से ये लोग प्रोडक्ट उठाते हैं, ये पहली चॉइस है और ये एक बोलते हैं ना कॉमन चॉइस है, सारे ड्रॉप शिपर ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपर्स ऐसे ही करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ड्रॉप शिपर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, किसी वेंडर को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को सीधा कंपनी से उठाते हैं, वो $6 का है तो उसको मार्केट में ले जाके सेल करते हैं लाइक $12, $20, ठीक है। इसमें अर्निंग बहुत होती है बट यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ता है, लाइक आपको बहुत सारे लोग रखने पड़ते हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट को शिप करोगे, उसको कौन मैनेज करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट वापस आता है, रिटर्न आता है तो उसको कौन मैनेज करेगा, एड चलाने के लिए लोग रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अमाउंट में एड चलाते हैं, $1 million, $500,000, तो बहुत बहुत सारा मतलब पैसा इसमें लगता है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो एक रियल बिजनेस होता है, ऑफलाइन का बिजनेस होता है, ठीक है, पूरा बिजनेस, विदाउट अ टीम यू कांट डू अ बिजनेस, आप इस कोट को समझ गए ना, तो ये कोट यहाँ सही बैठता है, ओके। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको एक पूरी टीम चाहिए टू हैंडल अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ओके, बट यही एफिलिएट मार्केटिंग में आप ये चीज़ अकेले कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लोगों की बात नहीं की बट ड्रॉप शिपिंग में मैं लोगों की बात किया क्योंकि यहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जाते हो, ठीक है। तो ये तीन जेन्युइन तरीके हो गए। अब चौथा तरीका देखते हैं भाई, चौथा तरीका आजकल बहुत ज्यादा एडवांस में चल रहा है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो। अब क्रिप्टो क्या होता है, वही बिटकॉइन, बट ये जो है ना क्रिप्टो, मैं आपको अपने तरफ से सलाह दूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो अपने पैसे को लेकर और रिस्क नहीं लेना चाहते, डरते हो रिस्क लेने से और आपके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, बहुत कम पैसा, तो क्रिप्टो में कभी मत जाना क्योंकि क्रिप्टो में गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बचेगा या डूबेगा, या तो करोड़पति भी बन जाओगे या तो रोडपति भी बन जाओगे, इसमें कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में। बिटकॉइंस, अगर आप बिटकॉइन बोलो तो आप इजी समझ जाओगे, राइट। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिखते होंगे, बोलते होंगे कि इस ऐप में जाके आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, लाखों करोड़ों कमाना, मैंने कमाया इतना सब जोक है, दे डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क, हाउ द blockchain वर्क। blockchain क्या है, blockchain एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ भी आप सेंड करो तो वो ब्लॉक्स में जाता है और किसी को पता नहीं चलता है किसने किसको सेंड किया, ठीक है, और एक बहुत 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 यूनिक टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो में मैंने ऑलमोस्ट अपने 3 years दिए हैं, ठीक है, मैंने ट्रेड किया है क्रिप्टो को, तो मैंने क्रिप्टो के बारे में बहुत स्टडी किया,
राइट, लाखों रुपए जनरेट भी किया है और गवाया भी है। इवन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30,000 रुपए पर डे क्रिप्टो में कैसे आप जा सकते हो, राइट, थोड़े दिन पहले चैनल पे होगी वो, आप आके देख लेना चैनल पे, और मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ बहुत सारी वीडियोज हैं, वीडियो सेक्शन में जाके आप देख लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया था। तो अभी हम लोग क्रिप्टो की बात में ज़्यादा डीप ना जाएं, मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन से, राइट। तो चौथा तरीका क्रिप्टो है। तो मैं क्रिप्टो में आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके में डर है कि पैसा ख़त्म हो जाएगा या मेरा पैसा स्कैम हो जाएगा, मैं स्कैम मतलब कि डूब जाएगा, मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा तो मैं क्या होगा मेरा, इस टाइप की अगर थिंकिंग है आपकी, आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते या अभी आप जस्ट कमाना स्टार्ट किए हो, तो अभी आप सेव कर रहे हो और अभी आप अपने पैसे लूज नहीं करना चाहते, तो आपके लिए क्रिप्टो नहीं है, राइट। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हो कि मेरा, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ और मेरा 10 रुपये डूब भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो क्रिप्टो फॉर यू, आप समझ में आया। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं 50 रुपये ही कमा रहा हूँ महीने के और मेरा अगर 5 रुपये भी डूब गया तो ये मुझे हर्ट करेगा या मेरा जो रूटीन है 30 डेज का उसमें कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर यू, राइट। तो ये चौथा तरीका है ऑनलाइन से पैसा कमाने का। अब इसके बाद दोस्तों पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका है दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। आपको पता है ये जो रीलर्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, ये कैसे पैसे कमाते हैं? आप बोलोगे कि ये दिन भर करते, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब आप नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, पर ऐसा नहीं है। दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट्स, राइट, लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, राइट, इतना पैसा वो कमा रहे हैं। किससे? टिकटॉक से। किससे? रील्स से, जो इंस्टाग्राम पर रील आती है, रील से, टिकटॉक से। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी स्पॉन्सरशिप के जैसे ही है, राइट। अब ये क्या करते हैं, ये किसी कंपनी से संपर्क या ये खुद करते हैं या कंपनी इनको खुद करती है, राइट। जिसके पास जनता है उसकी सब कोई सुनता है। अरे गड़ी माई पॉइंट, ये कोट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कभी, जिसके पास जनता है उसकी सब कोई सुनता है। तो जनता जिसके पास है भाई, हर कंपनी सुनेगी। अगर आपके पास एक अच्छा खासा फैन बेस हो चुका है, चाहे वो रील्स पे हो, टिकटॉक पे हो, कहीं पर भी हो, तो आपको कंपनीज अप्रोच करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट का आप अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करो, लोगों को दिखाओ। तो वो जो कंपनीज रहती हैं, लाखों रुपए इनको देती हैं एक प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए। जितने भी आज के समय में बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो बीबी के वाइंस हो, कैरी मिनाटी हो, या फैशल हो, क्या नाम है उसका, फैजू 07, टिकटॉकर है जो, टिकटॉकर था जो, आजकल तो स्टार हो गए हैं ये लोग। तो ये जितने भी लोग हैं ये कैसे पैसे कमाते हैं, राइट। ये जो अगर इनका जो मैंने कैरी मिनाटी और भुवन बम का नाम लिया, अगर उनका यूट्यूब हटा दो तो वो कैसे पैसे कमाते हैं? बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट। तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी चीज़ें पहनते हैं लोगों को अच्छा लगता है कि भाई ये क्या पहना है, ओ अच्छी चीज़ें हैं, ये क्या लिया है, ओ अच्छी चीज़ें हैं। तो इससे ये क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को अपनी चीज़ों से, ठीक है। तो इसी चीज़ को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। और कंपनीज इनको रीच करती हैं, बोलती है कि भाई आप मेरा जो फ़ोन है ये लोगों को दिखाओ कि ये काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ये लोग दिखाएंगे, इनके फैंस बोलेंगे यस दिस फोन इज़ गुड, आई वॉन्ट दिस फोन। तो ऐसे करके काम करती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और ये लोग लाखों रुपये इसका चार्ज करते हैं, ठीक है। 5,000, 4,000, 3,000 एक एक पोस्ट का स्टार्ट हो जाता है। और मैं छोटे मार्केटर्स की बात कर रहा हूँ जो 10,000, 20,000 फॉलोइंग वाले हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोइंग वाले हैं। वो तो लाखों रुपए लेते हैं सिर्फ एक एक पोस्ट का। तो ये तरीका है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तरीका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब छठवां तरीका है भाई यूट्यूबर। यूट्यूबर, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब पे देख रहे हो, राइट। तो अगर आप यूट्यूबर बनोगे तो आपको पता ही है, आपको यूट्यूब की तरफ से पैसे आएंगे। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? एडसन के, एडसन से आते हैं, राइट, एडसन, गूगल एडसन से, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था कि गूगल एडसन क्या है, ठीक है। तो गूगल एडसन से यूट्यूब पे एड्स दिखाए जाते हैं और एक यूट्यूबर उसी से पैसे जनरेट करता है। तो यूट्यूबर्स भी गूगल एडसन से ही पैसा अर्न करते हैं, बट यहाँ जो प्लेटफॉर्म है इनका चेंज हो जाता है। आप ब्लॉगिंग में blogger.com पे एड दिखवाते हो, ठीक है, गूगल्स की जितने भी कंपनी उनके साथ टाई अप करके रखे हैं, उनके एड्स अपने ब्लॉग पे दिखाते हो। और यूट्यूब में थोड़ा सा डिफरेंट है, वीडियो फॉर्म में एड्स दिखते हैं, उनके
जो भी कस्टमर्स हैं गूगल के, उनके एड्स आपके चैनल पे रन होते हैं एंड उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है एंड वो रेवेन्यू आपको वो ला कर देते हैं, कौन? गूगल, गूगल एडसन, उसका कुछ परसेंटेज आपको ला कर देते हैं। तो ऐसे करके यूट्यूबर अर्निंग करते हैं। अब यूट्यूबर के भी अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो एडसन हो गया, और दूसरा आपका हो गया स्पॉन्सरशिप, जो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया क्या होता है स्पॉन्सरशिप। तीसरा हो गया उनका खुद का कोई कोर्स या प्लान, जैसे अपना है 777empire.in, और अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो ऑनलाइन अर्निंग करने में तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर देना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ। मेरा खुद का एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाता हूँ कि आप ऑनलाइन से कैसे अर्न कर सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद ये लोग कमाते हैं लाइक इंटरव्यू से, ठीक है, पेड कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर भी पेड कोलैबोरेशन से कमाते हैं, सॉरी मैं भूल गया था बताना, पेड कोलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूबर भी पेड कोलैबोरेशन से कमाते हैं, और यूट्यूबर भी एक इन्फ्लुएंसर ही होता है। मैंने यहाँ पर अलग से इसलिए बताया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि आजकल रील्स पे जो रीलर होते हैं, जो रील्स बनाते हैं, उनका एक अलग ही गेम चल रहा है, इसीलिए मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको एक अलग तरीका बताया ऑनलाइन से अर्न करने का। तो यूट्यूबर भी एक इन्फ्लुएंसर ही होते हैं और ये भी कोलैबोरेशन से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये 3 से 4 तरीके हैं, और भी तरीके हैं जिससे यूट्यूबर पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं लिखना चाहूँगा। लाइक मर्चेंडाइज बनाते हैं, वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, ऑल द थिंग्स, राइट। अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, राइट। और अगर आपने देखा होगा आजकल गेमर्स भी जो हैं वो भी यूट्यूबर हैं, राइट, तो वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उनको लाइव स्ट्रीम में कुछ कैश लोग देते हैं, राइट, कभी हेडशॉट मारने का, कभी कुछ करने का, कुछ कैश देते हैं लोगों को, राइट। तो वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं? एक यूट्यूबर को जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं यूट्यूब से भी अर्न करने के। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीका। अगर और मैं नीचे चलूँ ऑनलाइन से अर्निंग करने की बात करूँ, तो आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसको बोलते हैं स्टॉक्स, राइट। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑफलाइन गेम है, पहले था ऑफलाइन गेम, ठीक है, स्टॉक्स जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट, ऑफलाइन गेम पहले था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन गेम पहले था, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले आप ब्रोकर के पास जाते थे, उसको पैसा देते थे, देन वो पैसा जाके मार्केट में लगाता था, फिर आपके पास पैसा आता था। बट आज के समय में आप स्टॉक जैसे ऐप्स हैं जिससे आप सीधा सीधा शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इससे अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। एक चीज़ बता दो, आप स्टॉक से आप ऐसे भी अर्निंग कर सकते हो जस्ट एफिलिएट के थ्रू, ठीक है, उसके लिए आपको डिटेल वीडियो दे रहा हूँ फ्री में, आप उससे अर्निंग कर सकते हो, ये वीडियो जाके देख लेना, दिस कैन हेल्प यू टू गेट आईफोन 13 इन जस्ट 30 डेज, राइट। तो ये जो वीडियो है ये जाके देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आप इस स्टॉक से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, ये वीडियो जाके देख लेना, ये चैनल पे ही है आपको, और राइट में हो सकता है दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने पढ़ दिया है, दिस ऐप कैन हेल्प यू टू गेट आईफोन 13 इन जस्ट 30 डेज। तो ये वीडियो जाके जरूर देख लेना अगर आप इंटरेस्ट रखते हो टू अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी फ्री में, जस्ट रेफर एंड अर्न, ठीक है। तो ये वीडियो जाके देख लेना। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर अपने 7 तरीके हो चुके हैं, ठीक है, और अगर मैं तरीकों की बात करूँ तो एक और तरीका है जिसको बोलते हैं ग्रुप स्ट्रेटजी, ठीक है। ग्रुप स्ट्रेटजी क्या है? फेसबुक पे आप देख रहे होगे लोग लाखों ग्रुप्स बना के रखे हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक डाटा पढ़ा था जिसमें कहा गया था 600 मिलियन ग्रुप्स हैं फेसबुक में, कितने हैं 600 मिलियन गाइस ग्रुप्स हैं फेसबुक में। तो ग्रुप स्ट्रेटजी में लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप बिल्ड करते हैं एंड वहां पर भी लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, और कोई भी जाए वहां पर, जैसे कि आप जाओ और बोलो कि मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो, मेरे बिजनेस का प्रमोशन कर दो, तो आप जाकर वहां से प्रमोशन कराते हो एंड उनको पैसा देते हो, तो उससे वो अर्निंग करते हैं। तो इनकी भी अर्निंग होती है स्पॉन्सरशिप से, ठीक है, एंड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, ठीक। तो ये ग्रुप वाला भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप चाहो तो फेसबुक में बड़े बड़े ग्रुप बना सकते हो एंड उससे अर्निंग कर सकते हो। अगर और मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा इंस्टाग्राम पेजेस की, ठीक है। इंस्टाग्राम पेजेस, अगर आपके पास बड़े बड़े पेजेस हैं तो आप भी स्पॉन्सरशिप से काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर और मैं बात करूँ
तो मैं एक और चीज की बात करूंगा जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, जिसका बोलते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप जाओ, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सर्च करो, लाइक बाइंग ग्रुप, राइट, मूवीज ग्रुप। और अगर आपको एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हॉट पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, और वो आपको छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, एक हॉट वीडियो दिखाएंगे, एंड आप उस वीडियो को देखोगे एंड एक मिनट बाद वो बोलेंगे उसी वीडियो में कि अगर आप इस वीडियो को फुल देखना चाहते हो तो विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो वहां पर वो उस चीज का सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, ठीक है, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। इसके बाद टेलीग्राम में लोग कपड़े का, अपने अपने जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका चैनल बना रहे हैं, वहां से अर्निंग कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये गाइस जेन्युइन तरीके हैं अर्न करने के लिए, जो बहुत लॉन्ग टर्म है और कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, खासकर यूट्यूब और ये जो मैंने आपको इंस्टाग्राम का बताया, ग्रुप स्ट्रेटजी बताई, स्टॉक बताया, क्रिप्टो बताया, और ये ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाले गाइस। ये ही तरीके हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। बट अगर आप पागलों की तरह किसी एक कंपनी के पीछे सब सिर्फ काम करोगे, रात दिन उसमें टीम बनाओगे, बिल्ड करोगे, और वो कंपनी अगर भाग जाती है तो आप क्या कर लोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका एफर्ट, आपका टाइम, ये सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। तो आप गाइस किसी सिस्टम पे काम करो, कोई अच्छी स्किल सीखो। देखो, ब्लॉगिंग में लिखने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में भी एड्स कैसे रन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो होना चाहिए। क्रिप्टो में आपको आना चाहिए कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्रिप्टो कॉइंस कैसे काम करते हैं, बिटकॉइन कैसे काम करता है, ये सब आपको आना चाहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपके पास कोई पैशन होना चाहिए, जिससे आप अपने पैशन को लोगों को दिखाओ, अपने हॉबी को दिखाओ, जो भी आपके पास टैलेंट है वो दिखाओ, उससे पैसे अर्न करो। यूट्यूबर बनने के लिए भी आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए लोगों को शेयर करने के लिए, या कुछ इंटरटेन करने के लिए टैलेंट होना चाहिए। तो हर चीज में स्किल लगती है, स्टॉक भी आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो हर चीज में आपको स्किल लगती है, जब आपके पास स्किल होगी तो यू विल अर्न मनी, राइट। अब ये मत समझना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं क्या कर लूंगा। नहीं, आपके पास स्किल है, जो भी आपको इसमें से अच्छा लग रहा है, ठीक है, उस चीज को उठाओ और पैसा अर्न करना स्टार्ट करो मार्केट में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताओ, क्या मैं इसका पार्ट टू लेके आऊं और डिटेल में आपको बताऊं कि कैसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब एंड स्टॉक मार्केटिंग, ग्रुप स्ट्रेटजीज, और ये आपका इंस्टाग्राम पेजेस, टेलीग्राम, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, क्या मैं आपको बताऊं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चाहते हो यस तो नीचे कमेंट करो, यस सर इसके ऊपर और वीडियोस लाओ और हमें बताओ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछो। अगर कमेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो 100% मैं इस पर और डिटेल वीडियोस लेकर आऊँगा, एक एक टॉपिक को पकड़ के, जैसे आज मैंने ये पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ऑनलाइन में जेन्युइन अर्निंग होती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा चीज़ों को कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। मेक श्योर आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज के समय में दोस्तों जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन एक जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जहां से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एक के साथ ही शेयर करना यार व्हाट्सएप पे जाके, लेकिन शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो और एक लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एज यू नो। प्लीज डू दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।